कद्दू पम्पकिन कुरान मजीद में यकतीन के नाम से कद्दू का जिक्र किया गया है। कोकर बीटा सी के खानदान में से है कद्दू, जिसमें मीठा कद्दू, हलवा कद्दू, पेठा कद्दू, खरबूजा, ककड़ी, अरंड, तूरी, तोरी कद्दू, दुबा यानी लौकी और गोल कद्दू सब इस खानदान से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू से मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल करा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू से मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, कद्दू शिफा भी है और दवा भी है। अब कद्दू है दो तरह का, एक है लौकी और एक है गोल कद्दू। करा लौकी को कहते हैं और दुबा गोल कद्दू को कहते हैं। हकीम बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दखल तो अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराई तो इंदहु दुबाउन यक्ताहु फकुल तो महाजा काला नक्सिरु बिही तामुना। हकीम बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, देखा कि आप कद्दू के कतले कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया, इससे क्या बनेगा? इरशाद हुआ, इससे सालन में इजाफा होगा। हदीस से यह साबित होता है कि कद्दू जो है हम हर चीज में डाल सकते हैं, सूखे गोश्त में। तो एक मरतबा एक दर्जी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, जिसमें सूखा गोश्त भी था और कद्दू भी थे। और फिर आप जो है जैसे कद्दू से मोहब्बत करते हैं, आप कद्दू के कतले तलाश कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद्दू जो है हम दाल मसूर में भी डाल सकते हैं, गोश्त में हर किस्म के डाल सकते हैं, हर सब्जी में हम कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी जिंदा होगी और अल्लाह में सवाब भी देगा। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुबाउ यक्सिरु दिमागा व यजीदु फिल अक्ल, कद्दू दिमाग को ताकत देता है और अक्ल को बढ़ाता है। अब यहाँ अक्ल की बात भी है और दिमाग की बात भी है। ये भी आपको बता दूं, अकल और दिमाग में क्या फर्क है। अकल एक हकीकी चीज है और दिमाग मजाज है। जैसे दूध मजाज है और मक्खन हकीकत है, कपड़ा मजाज है और काटन हकीकत है, गंदम मजाज है और आटा हकीकत है, फूल मजाज है और खुशबू हकीकत। हजरत अता अबी रिहा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल कराई फइन्नहु यजीदु फिल अक्ली व यक्सिरु फिल दिमाग, तुम्हारे लिए कद्दू मौजूद है, ये अक्ल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। दिमागी अमराज के लिए यरकान में, शुगर में, हर मर्ज के लिए शिफा है। जिस कद्दू से मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते थे, उसकी तो मिसाली कोई नहीं है। इलाज भी, गिजा भी, दवा भी, शिफा भी, खुराक भी और सुन्नत नबी भी। सुभानअल्लाह। लौकी का मिजाज गर्म तर है और कद्दू का मिजाज जो है सर्द तर है। स्वीट गार्ड भी कहते हैं कद्दू को।